एवरीवन, वेलकम टू द जायका वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट हिना इकबाल। हर रोज की तरह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दफ़ा आपके लिए एक मज़ेदार और अट्रैक्टिव सी रेसिपी लेके आते हैं, तो आज जो हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं वो है कैप्सिकम चने की दाल। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जो लोग दाल खाना पसंद नहीं करते वो यकीनन इसको ट्राई करेंगे, तो इसको रियली इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही एक तो वज़ायत के हिसाब से बहुत अच्छी है, और दूसरा इसको जिस तरह हम बनाएंगे ऑब्वियसली उसकी रेसिपी में एक नया मज़ा, एक नया टेस्ट आएगा, और आप इसको बनाकर खाकर एंजॉय करेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं एक मज़े की रेसिपी, जो है कैप्सिकम चना दाल। कैप्सिकम चना दाल के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए चने की दाल। आप एक पाव से डेढ़ पाव चने की दाल ले लें और उसको हाफ एन आवर के लिए भिगो दें। हमने ऐसा ही किया है, हमने जो एक पाव चने की दाल ली थी उसको धोकर चुनकर अच्छे से साफ करके उसको पानी में भिगो दिया है, और उसके साथ हमें जो चाहिए, हमें चाहिए तीन अदद हमें चाहिए प्याज। इसके साथ साथ हमें चाहिए लहसुन का हमें पेस्ट चाहिए। हमें चाहिए 2 अदद कैप्सिकम, शिमला मिर्च है। उसके बाद हमें चाहिए सम ग्रीन चिलीज, सम कोरिएंडर, और स्पाइसेस में जो चीज़ हमें चाहिए सॉल्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉल्ट हसबे ज़रूरत। फिर हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, इसके साथ साथ हमें चाहिए हल्दी पाउडर, और ये हमारे पास है लहसुन का पेस्ट। हमने 8 से 6 जो है लहसुन के जो थे उसको पीस लिया है, तो ये हमारे पास है लहसुन का पेस्ट। इसके साथ साथ हमारे पास है ड्राई कोरिएंडर, जिसको हमने रोस्ट कर लिया था, रोस्टेड कोरिएंडर, और फिर उसको हमने दादरा सा मोटा मोटा पीस लिया है। इसके साथ ही हमारे पास है ये गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ हमें चाहिए ज़ीरा, वाइट ज़ीरा है ये हमारे पास, और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, जिसको हमने अच्छे से पैट लिया है, 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट। और कुकिंग के लिए चाहिए हमें कुकिंग ऑयल, 1 कप में ये कुकिंग ऑयल हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम अपनी दाल को बॉईल होने के लिए रख देते हैं ताकि वो गल जाए, और उसके साथ साथ हम अपनी जो कटिंग करनी है, जो चॉपिंग करनी है, जो उसको बनाने के लिए प्रिपरेशन करनी है वो करते रहेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने अपनी जो दाल है उसको गलने के लिए कुकर पर रख दिया है, तो मीनवाइल हम उसके साथ जो हमें मसाले चाहिए, जो प्रिपरेशन करनी है, जो कटिंग करनी है या फिर जो चॉपिंग करनी है, हम वो करते हैं। वी नीड 3 मीडियम साइज ऑफ अनियंस, तो हम इनको क्या करेंगे, अनियंस को इसको पील ऑफ कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इन जो हमारे हमने 3 अनियंस हैं उसको अच्छे से पील ऑफ कर लिया है, अब हम इसको स्लाइस ऑफ कर लेंगे। इसके मीडियम कॉस्ट है मैंने रिमूव कर दिए हैं, उसको बिटवीन से 2 हाफ किया, और इस तरह बारीक बारीक इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में हम काट लेंगे। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है अनियंस का इस्तेमाल करना, लोग इसको सैलेड में भी खाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर खाना चाहिए, स्पेशली आफ्टरनून में जब आप खाना खा रहे हो, तो उसके साथ अनियंस को काट कर उसके ऊपर लेमन स्क्वीज करके उसको सॉल्ट के साथ वॉश कर लें, वैसे वॉश कर लें, करने के बाद उसके ऊपर लेमन स्क्वीज करके इसके सैलड के तौर पे खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। स्पेशली अगर आप कोई दाल खा रहे हैं या चिकन कढ़ाई खा रहे हैं, कुछ भी इस तरह का स्पाइसी खाना अगर आप खा रहे हैं, तो उसके साथ आप इसको एज अ सैलड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे अनियंस हो गए हैं चॉप, हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। 3 मीडियम अनियंस है जी। सो हमारे पास है ये 2 कैप्सिकम, हम इनके न्यूट्रिशंस के बारे में बात करते हैं कि जो कैप्सिकम होती है ये वेरी लो इन कैलोरीज होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो रिड्यूस करती है, यानी अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो वो उसको कैप्सिकम को पका के खा सकता है, सैलड में यूज़ कर सकता है, पास्ते में डाल के यूज़ कर सकता है। सो मैनी वेज टू यूज़ द कैप्सिकम, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करती है, आपका जो ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो जाता है, यानी कभी आप कभी डाउन, यानी कभी हाई कभी लो होता है, तो अगर आप कैप्सिकम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली की रूटीन
में, हर रोज के खाने में अगर आप अपनी थोड़ा बहुत कैप्सिकम इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे कि सैलड के तौर पे या किसी और चीज के तौर पे, तो ये फायदा होगा कि ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देगी, इसको नॉर्मल रखेगी, रेगुलर बेसिस पे रखेगी, आपको ये नहीं होगा कि कभी ये लो हो रहा है कभी ये हाई हो रहा है। अच्छा, वेरी गुड सोर्स फॉर योर आईज, स्पेशली आई साइट एंड विजन, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं देखिए वो आपकी बॉडी में किसी न किसी पार्ट को जरूर अफेक्ट करती हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है। अच्छा, एंटी इन्फ्लेमिंग होती है, यानी आपकी बॉडी में अगर कोई सूजन हो या डिफरेंट कॉजेज की वजह से लोगों की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट सूज जाते हैं जो भी होता है, तो ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है। तो एंटी कैंसर है, कैंसर के अगेंस्ट है, यानी आप इसको खाते रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, आप मुख्तलिफ सोर्स ऑफ कैंसर से बच सकते हैं। सो देयर इज सो मेनी डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ द कैप्सिकम्स। आपको चाहिए कि आप अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई एक वेज लाइक फाइव अ डे, डॉक्टर आपको इनकरेज कर रहे हैं नाउ डेज कि आप फाइव अ डे यूज करें, फाइव could be vegetables and the mixture of the fruit, तो आप जरूर ऐसी चीज़ों की इंटेकिंग अपने फूड में बढ़ाएं कि जो जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। अच्छा जी, बातें तो हमारी चलती रहेंगी कुकिंग के साथ साथ, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास टू कैप्सिकम है, हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब हमें इन्हें क्यूब साइजेस में काटना है। सबसे पहले हम इसको मिडल में से काटेंगे ताकि हम इसके मिडल में से जो सीड्स हैं उनको रिमूव कर दें। मैंने अपनी रेसिपी को कलरफुल करने के लिए इसमें येलो एंड रेड यूज किया है, यू कैन ओनली यूज अ ग्रीन कलर, इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर डिजायर एंड चॉइस एंड टेस्ट। तो थोड़ा सा कलर लाने के लिए डिश में तो मैंने ये टू डिफरेंट कलर्स चूज किए हैं कैप्सिकम के, ये हमारे पास टू कैप्सिकम्स हैं, इनको हमने क्यूब्स में काटने के लिए सबसे पहले इसको लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे। ये हमारी कलरफुल सी कैप्सिकम जो है टू, हमने इनको स्क्वायर पीसेस में चॉप कर लिया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी, ये हमारी हमने कैप्सिकम जो है चॉप कर ली है। मीनवाइल हम कुछ ग्रीन चिलीज लाइक टू और थ्री, हमें ग्रीन चिलीज चाहिए, हम इसकी टॉप एंड बॉटम जो है इसको रिमूव कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारी ग्रीन चिली हमने चॉप कर ली है, अब हमारे पास ऐसे ही अदरक है, इसको हम थोड़ा सा लेकर इसकी जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे। अदरक का बहुत ज्यादा फायदा है, स्पेशली जब आप ये चना की दाल बना रही हैं तो आपको उसकी वजह से गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आप इसको यूज करेंगे वो आपको हेल्प करेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, जोड़ों वगैरह के दर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारे पास है, हम इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे ताकि हम इसको ये हमारी हमने जो अदरक है वो भी देखें इंग्रेडिएंट्स में काट ली है। It's all ready now. Let's see कि हमारी जो दाल है वो कहाँ तक पहुँची है, वो गल गई है या नहीं। जी नाज़रीन, जितनी देर हमारी जो चना दाल है वो बॉयल हो रही है उतनी मेन वाइल हम लोग अपनी जो रेस्ट ऑफ द रेसिपी है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास एक पैन है, हमने अपनी कुकर को ऑन करना है, एंड नाउ वी गोना पुट नियरली हाफ कप ऑफ कुकिंग ऑयल, ये हमारे पास है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी डिजायर के हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने रख दिया, इसको हमने हीट अप होने देना है, जैसे ये हीट अप होगा हम इसमें अपने अनियंस जो हैं उसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद हम उनमें से हाफ ऑफ अनियन जो हैं वो निकाल लेंगे, बाकी के अनियन के साथ हम आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं। तो लेट्स वेट फॉर द ऑयल टू हीट अप लिटिल बिट। जी नाज़रीन,
हमारा जो ऑयल है वो हीट अप हो गया है। अब हम इसमें जो हमने 3 मीडियम साइज अनियन थे लंबे लंबे स्लाइसेस में काटे हुए उनको ऐड इन करेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें से हम कुछ अनियन जो है वो निकाल लेंगे। बड़ी एक्साइटिंग सी रेसिपी है, बहुत मज़े की है। तो आपने कभी पहले नहीं सुना होगा कि कैप्सिकम और चने की दाल, तो आप इसको ट्राई करें घर में और देखना कि आप इंजॉय करोगे इसको बनाकर। जी, ये जो हमारे अनियंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से मेरी हाफ अनियंस जो हैं उनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, जो कि हम अपनी रेसिपी के एंड में यूज़ करेंगे। 3 अनियन से तो 1.5 अनियन जो है हमने गोल्डन ब्राउन किया और उनको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब जो ये बाकी के अनियंस लेफ्ट ओवर हैं इसमें पैन में हम उसको पहले हल्का सा पानी का देंगे ताकि वो बर्न ना हो जाए। इसमें हमने लिटल बिट वाटर ऐड किया है। जी, तो ये पानी ऐड कर लिया। इसके साथ साथ अब हम इसमें अपने जो है बाकी के मसाला जार वो ऐड करना शुरू करेंगे। ये हमारे पास जो थी लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉरी लहसुन का पेस्ट है, हम इसको अपने इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। जी, लहसुन का पेस्ट हमने डाला नियरली 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हमें चाहिए 1 teaspoon ऑफ हल्दी पाउडर, 1 teaspoon जीरा और 1 teaspoon ये खुश्क धनिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने 1/2 teaspoon जो थी सॉल्ट वो अपनी दाल में डाला था जब वो बॉईल हो रही थी, तो हम 1/2 teaspoon जो है लिटिल बिट वो हम इस मसाले में शामिल करेंगे ताकि उसमें भी सॉल्ट का टेस्ट आ जाए। आप हंसते जायका यूज़ कर सकते हैं, अगर आप तेज़ खाना चाहें तो ज़्यादा डालें, अगर थोड़ा कम खाते हैं। इसी तरह चिलीज़ के साथ भी यही है कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप उसको यूज़ करें। अच्छा जी, ये आपका मसाला जो है वो भुन रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कैप्सिकम शामिल कर देंगे। ये हमारे पास 2 कैप्सिकम थी जो हमने इस क्यूब्स में काट ली थी, अब हमने इसको इसमें शामिल कर लिया है। इनको इस मसाले में भून लेंगे। अच्छा, इसमें कोई हमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही ये वेजिटेबल्स हैं ये थोड़ी सी भुनेंगी तो हम इसको स्टीम कर लेंगे, उसका लिड बंद कर देंगे तो ये खुद ही अपने पानी में ही गल जाए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारी जो दाल है वो जी बॉयल हो चुकी है, वेरी गुड। हम इसके नीचे जो कुकर है उसको बंद कर देते हैं। अगर आपको ये थोड़ा खट्टा पसंद है, खट्टा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, दाल थोड़ी सी कैप्सिकम दाल जो है आपकी थोड़ी खटास आ जाएगी उसमें। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर 5 मिनट्स मैं इसको ढक दूँगी और जो आँच है उसको धीमी कर दूँगी ताकि ये इसकी ही स्टीम में थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम अपना बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। जी, ये हमारी जो थी कैप्सिकम हमने इसमें भून ली थी तो ये थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। रेस्ट ये जो सॉफ्ट हो जाएगी हमारे लेंटल्स के साथ, जो हमारी चना दाल है, जो चना दाल हमने बॉयल की है उसको हम इस मसाले में शामिल कर लेंगे।
लिए हमारे पास जो 3 टेबल स्पून हमारे पास जो योगर्ट था, अब हम इसको भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे ताकि हमारी दाल में मिक्स हो जाए। इसको थोड़ा सा इसमें खटास आ जाएगी, थोड़ा सा इसमें फ्लफी सा मक्खी मक्खी सा टच आ जाएगा। और हमने टमाटर ऐड नहीं किए, तो ये खटास का काम नहीं करेगा जो हमारा योगर्ट है। अब हमने क्या करना है कि हम इसमें 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर इसमें डालेंगे अपनी दाल में। इसके साथ ही हम जो हमने चॉप की हुई थी अपनी ग्रीन चिलीज वो इसमें डाल देंगे। और इसके साथ साथ ये जो हमने अदरक की लंबी लंबी काशे काटी हुई थी ये भी डाल देंगे। जो ये हमारे अनियंस थे हमने ब्राउन करके निकाले हुए थे ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल में। अब हम अपनी जो दाल है इसको 10 मिनट के लिए स्लो हीट में दम दे देंगे ताकि ये इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए और इसका ऑयल जो है वो निकल आए। जी ये हमारी जो कैप्सिकम चना दाल है बिल्कुल रेडी है। हम इसको अपने बोल में डाल रहे हैं सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा आया है, मज़े मज़े का इसमें से खुशबुएं आ रही हैं। और इसमें हमने 2 कलर्स की कैप्सिकम डाली थी, आप देख सकते हैं कि ये हमारी इसमें हम कलरफुल सी दाल जो हमारी रेडी हो गई है इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। मुझे कैप्सिकम दाल है वो बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं मज़े मज़े की। अब हम इसको गार्निश करेंगे हम बिट ऑफ कोरिएंडर लीव्स के साथ। और इसके ऊपर हम एक आधा लेमन इस तरह लगा सकते हैं इसकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए। नाज़रीन ये हमारी कैप्सिकम चना दाल रेडी है, हमने इसको गार्निश किया है कोरिएंडर लीव्स के साथ और एक लेमन के साथ। आप इसको अगर थोड़ा सा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके खाएं, इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। मक्खन डालकर खाएं, इसको रोटी या नान के साथ सर्व करें, आप इसको चावलों के साथ बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिएगा हमारी इस रेसिपी के बारे में कि आपने इसको घर में ट्राई किया और आपको कैसा लगा। होपफुली आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम एंड टेक केयर, बाय।